हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हार्वेस्टर चल रहा है और यहाँ पे धान यानी कि चावल की खेती की हार्वेस्टिंग की जा रही है। अब यहाँ पे आपको आवाज भी आई होगी क्योंकि काफी ज्यादा आवाज ये हार्वेस्टर कर रहा है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे मशीन काम कर रही है। दोस्तों अगर आपको पता करना है कि धान की खेती किस तरीके से की जाती है तो हमने पूरी डेडिकेटेड वीडियो धान की खेती पर बनाई है, बिल्कुल खेत में जाके प्रैक्टिकल वीडियो आपको बताई है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ है जीवन सिंह जी, इन्हीं का खेत है। तो राम राम सर। राम राम। राम राम। तो आप यहाँ पे धान की खेती कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं? मतलब जबरदस्ती कर ली, मतलब करने की नहीं थी मगर फेल हो गई है। फेल हो गई है। तो आपने मतलब इस साल नहीं लगाई थी, लास्ट ईयर जब सर्दी का सीजन था तब लगाई थी, उगी अब? नहीं, वो पिछली बार लगाई थी तो वो शायद खिर गई थी तो वो वापस उग गई, तो कटा लो। तो अभी मतलब इस बरसात में कुछ नहीं लिया, यहाँ पे अपने आप धान उगाया है। तो अभी इसका आपको क्या लगता है कितना क्या उत्पादन हो जाएगा? अरे कुछ भी उत्पादक नहीं, वो तो मतलब मशीन के पैसे भी नहीं आएंगे इकट्ठे। मशीन के पैसे भी नहीं आएंगे, मतलब काफी ज्यादा नुकसान है इस बार इस फसल में। तो आपने मतलब पहली बार यहीं पे आपने धान की खेती स्टार्ट करी थी? करी थी। तो क्या सोच के आपने धान की खेती स्टार्ट करी थी? लोग बाग बोल रहे, बोले 8 क्विंटल और 10 क्विंटल बीघे की निकलती है, भाई अपन भी लगा। तो हमारा तो बीज भी नहीं निकला साला, बीज भी नहीं निकला। कितना क्विंटल बीज लगाया था? मैंने करीब 1 क्विंटल लगाया था, 1 क्विंटल बीज में। पिछले साल इतना भी नहीं निकला। साल अभी दोस्तों अपन जैसे हार्वेस्टर पूरी हार्वेस्टिंग कर देगा तो जब उस मशीन से पूरा जो अनाज निकलेगा वो बताएंगे कितना क्या निकलता है, जरूर बताएंगे आपको। और क्या क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा फसल के बारे में बताइए। और कहीं भी दिक्कत आई नहीं? कहीं नहीं आई। अच्छा, हालत खराब है हमारी तो, वैसे किसान लगी, ये सब खाली खेत बढ़िया है। तो इनमें अब क्या बोने वाले इसके बाद? अब इसमें गाजर बोने का है। गाजर? अच्छा, और ये खाली खेत पड़े जो? ये गाजर ही लगाने का। गेहूँ यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपके एरिया में आए महू इंदौर के पास है दोस्तों, ये यहाँ पे देखें तो जैसे मैं राजगढ़ ब्यावरा का हूँ तो हमारे इधर गेहूं चने ज्यादा चलते हैं, आपके इधर आलू और ये ज्यादा सब्जियां ज्यादा बोई जाती है। तो ये मतलब आप क्या मंडियों में ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है या फिर गेहूं चने करते ही नहीं है? गेहूं चने करते थे दादा और आलू में प्रॉफिट मिलता था, अब तो दुनिया में आलू बोने लग गए तो हम लोग को तो कुछ भी नहीं मिलता है क्योंकि अब ये लेट हो गए, मतलब लोगों के आलू मंडी में आने वाले हैं 8 महीने 15 दिन में। अच्छा, मतलब वो जल्दी वाली फसल लगा ली तो आप क्यों नहीं करते जल्दी वाली? ये हमारे खेतों में तो अभी ट्रैक्टर फंस रही है, ये गाड़ी फंस जाए, देखो आप। अच्छा, और जो ज्यादा होने से मतलब गीला है पूरा पूरा ये क्षेत्र, तो पूरा गीला है, मतलब कई लोगों के खेत में अभी ट्रैक्टर ही नहीं निकले, मतलब बारिश ज्यादा हुई जिसी की वजह से मतलब काफी ज्यादा खरपतवार भी दिख रही है, खेत भी ऐसे ही दिख रहे हैं। तो इस पे गाजर बोने का प्लान है आपका? अब गाजर बोएंगे। और आपने ये बताया कि ये आगे वाला खेत जो खाली पड़ा था, बारिश में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो उसमें आपने आलू वगैरह का नहीं सोचा? अरे तो भाई साहब वो पानी बराबर ही नहीं आया, बराबर आया है पानी ज्यादा गिरने से। करे तो क्या करे, क्या मजबूर है। अब ये बराबर आएगा उसके बाद में आलू भी करेंगे, गेहूँ भी करेंगे, गाजर भी करेंगे, सभी करेंगे, बाकी अभी मजबूरी है, गीला बहुत है। फसल करे तो कैसे करे, फसल करे तो कैसे करे, बिल्कुल है। तो मतलब जैसे आप सिर्फ खेती करते हैं, इसके अलावा और भी कुछ व्यवसाय बिजनेस वगैरह? कहीं भी नहीं, खेती ज्यादा, खेती पे डिपेंडेंट है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे जो भी किसान भाई है, जो देश की रियल हालत है किसानों की, तो आपको हमारी वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा। और फिर अब आप क्या सोचते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है, आपके आने वाली जो पीढ़ी है, उनको जैसे हम भी आपके बच्चे जैसे ही काफी उम्र में छोटे हैं आपसे, काफी ज्यादा अनुभव है आपको, तो जैसे हम खेती की तरफ प्रभावित हैं, तो हमको खेती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भैया खेती तो लोग बाग बोलते थे पहले, उत्तम खेती मध्यम व्यापार बोलते थे। हाँ। और आजकल तो उत्तम खेती तो खत्म हो गई है। हाँ। मजदूरी, मजदूर से ज्यादा कमा लेते हम लोग से ज्यादा, तो मजदूरों के पास पैसे, हमारे पापा के पास कमीज नहीं है। अच्छा, तो आपको क्या अब जैसे अब ये उत्पादन निकला अपना, तो इसको जैसे आप मंडियां इतनी यहाँ है नहीं, धान इतना उगता नहीं है अपने मध्य प्रदेश में, तो आप कहाँ पे जाके बेचेंगे इसको? अभी जो भी कोई आ जाएगा लेने वाला, नहीं तो पड़ी है। अच्छा, और क्या, कोई जाएगा तो उज्जैन डालेंगे, पहुंचाएंगे, मतलब कोई खरीदने वाला नहीं आया तो उज्जैन। कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 70-75 किलोमीटर दोस्तों दूर यहाँ से उज्जैन मंडी में ले जाएंगे, जो कि अपना मतलब बिल्कुल साल है जिसमें गेहूं और भूसा, मतलब अपना जो चावल है वो अलग नहीं हुआ है, उसके अलावा फिर भूसा अलग नहीं हुआ, तो रेट वैसे ही कम मिलना है अपन को, तो मतलब अपना ट्रांसपोर्टेशन भी दोस्तों यहाँ पे पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब कोई खरीदने वाला ही नहीं है, खरीदने वाला ही नहीं है, मगर इंदौर तक कोई खरीदने वाला नहीं है। और बाकी फसलें तो बढ़िया हो जाती है ना, दूसरी फसल अच्छी होती है।
आलू के लिए व्यापारी आ जाते हैं, गेहूं के व्यापारी आ जाते हैं, गाजर के व्यापारी आ जाते हैं, बाकी इसके साथ धान के नहीं आते कोई। मतलब यहीं से ले जाते हैं व्यापारी, खेत से ही? खेत से उठा लेते हैं। उसमें आपका थोड़ा उसका खर्चा बच जाता होगा साधन का। गाजर में अच्छा इनकम है, गाजर में अच्छा 5-7 रुपए किलो बिकेगी तो अभी मतलब एक बीघे में करीब बहुत ज्यादा बैठती है। प्याज लहसुन का नहीं सोचा आपने? क्योंकि इस एरिया में काफी ज्यादा करते हैं, बाकी वो कम करते हैं। अच्छा, इसमें बीमारी बहुत लगती है प्याज लहसुन। हाँ, अभी जैसे अभी 8-10 रुपए किलो था और मजदूरी लगाओ तो कुछ भी नहीं मिला। अभी हमने बोया था 2 बीघे का तो 30-40 हजार के हुए 2 बीघे का। वो लहसुन भी अभी पड़ी हुई है, लहसुन कोई लेने वाला ही नहीं था। वो 1500 रुपए क्विंटल में क्या बिके लहसुन, तो फिर वो खराब ही होगी, घनी पड़ी है घर पे। अब उसके बाद भाव आएगा तो बेचेंगे, नहीं तो वापस बो जाएंगे थोड़ी बहुत। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये मतलब किसान कितना ही परेशान हो जाए, कितना भी हो जाए, लेकिन चेहरे से मुस्कान नहीं जाती उसके। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा जो खेत था, दद्दू से बात करी, अंकल से बात करी, 3 बीघा खेत है। और यहाँ पे देखते हैं अभी हार्वेस्टर का थोड़ा डीजल खत्म हो चुका है, तो उसमें जाके देखते हैं कितना क्या अपना, मतलब अभी काफी ज्यादा खेत लगभग थोड़े बहुत और बचा है हार्वेस्टिंग के लिए। तो इतना 3 बीघा में से लगभग लगभग दोस्तों 90% खेत की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो देखते हैं कितना क्या उत्पादन निकला है। तो हार्वेस्टर पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हार्वेस्टर की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे मैं देख सकता हूँ खेत इतना ज्यादा गीला है, आप उसको अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्वेस्टर अभी जहाँ अभी चला है इसमें हार्वेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे उसके टायर के निशान मतलब बन गए और कितनी ज्यादा मिट्टी दब चुकी है। तो आप देख सकते हैं मतलब गीला है और कुछ इस तरह का, जैसे जैसे हार्वेस्टर चलता जाता है तो उसके पीछे से इस तरीके से अपना भूसा निकलते जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हार्वेस्टर और कुछ इस तरीके के इसका ये रहता है जो इसमें ऐसे ऐसे चलता है। फिर जो अपने साल इस तरीके के होते हैं उसको अपना मतलब इकट्ठे करता जाता है, इसमें अंदर जाता जाता है, नीचे से कटिंग होती जाती है। तो अभी चढ़ते हैं उसके ऊपर पीछे जहाँ पे स्टोरेज होता है अनाज, तो देखते हैं कितना क्या अनाज निकला है अभी। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं जीवन में मेरे जीवन में पहली बार हार्वेस्टर पे चढ़ने वाला हूँ, तो देखने वाला हूँ कितना क्या अनाज है। तो दोस्तों वहाँ पे भैया है, हेलो कर दीजिए हमारे जनता को, जिश्राम बोल दीजिए एक बार। तो मैं चढ़ गया हूँ दोस्तों पहली बार हार्वेस्टर में, और यहाँ पे हमारा कैमरामैन भी आएगा, मैं कैमरा पकड़ लेता हूँ भाई के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं हार्वेस्टर के ऊपर चढ़ चुका हूँ, और यहाँ से देख सकते हैं कुछ यहाँ पे इस तरीके का कंट्रोल करने वाला अपना सिस्टम होता है, ब्रेक्स ब्रेक्स एक्सीलेटर जो भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो दिख रहे हैं दांत जैसे लोहे का जो अपना वायर जैसा दिख रहा है, उसके थ्रू मतलब सारे अनाज इसमें इकट्ठा होता है, और वो नीचे वो दिख रहे हैं ब्लेड जैसी जो कट करती जाती है। अब यहाँ पे चलते हैं अनाज देखते हैं कितना क्या अनाज निकला है अपना, तो इधर चढ़ जाता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं देख सकता हूँ लगभग 3 बीघा, तो भैया को तो काफी ज्यादा नॉलेज होगा, आपने कई जगह हार्वेस्टर चलाए होंगे, तो इतना ही निकलता है या यहाँ पे कम निकला है? यहाँ पे थोड़ा कम निकला है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पड़ा है इस बार, पानी बहुत ज्यादा, और इसमें काफी ज्यादा हमें वो भी दिख रहे हैं। यहाँ पे सोयाबीन थे ऐसे तो, पर वो जो अगले साल बोए थे चावल वो उग गए, मतलब उसके चावल के कुछ बीज लगे होंगे खेत में तो वो उगे। अच्छा, सोयाबीन नहीं उगे। तो मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा ऊपर चढ़ाए आप, इसके बाद बताएं। तो दोस्तों यहाँ पे अब ये जो हार्वेस्टर के जहाँ पे अपना अनाज इकट्ठा होता है वो वाला सेक्शन है, इसमें स्टोरेज होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना धान, मैं थोड़ा उठा के बता दूं आपको, काफी ज्यादा कीड़े भी हैं इसमें, और ये अपना धान, और ये काफी ज्यादा ये मतलब अपना ये आया भैया जो ये देखते हैं डंठल कचरा काफी ज्यादा आया, ज्यादा चारा था उसकी वजह से आया। और अब ये यहाँ से किस तरीके से निकलेगा अगर अपन को निकालना होता है तो? ये यहाँ से इसमें से निकलेगा। कैसे? ये वाला, ये उधर होगा उसमें से निकलेगा। अच्छा, वो गोल गोल घूमती जाती है दोस्तों, ये दिख रहे हैं तो उसके थ्रू उसमें होते निकल, तो डायरेक्ट ट्रायली व्रायली जो भी होता है निकल जाता है। तो काफी अच्छा सिस्टम है दोस्तों। तो यहाँ पे पीछे उसका पूरा इंजन है, हार्वेस्टर का इंजन है, तो देख सकते हैं काफी पावरफुल इंजन होता है हार्वेस्टर का दोस्तों। और यहाँ से पूरा आजू बाजू का खेत का व्यू देखिए, तो ये अपना ऊपर से ऐसा दिख रहा है अपना जो चावल है धान है, और ये इतना गीला खेत है कि आप तो हार्वेस्टर के निशान देख सकते हैं टायर्स के। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैसी लगी वीडियो? हार्वेस्टर फिर से स्टार्ट हो चुका है, डीजल डाल दिया जा चुका है, वीडियो को हम यही एंड करना चाहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, ऐसी मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियो हम अक्सर लाते रहेंगे। और यहाँ पे अब तो हम गाजर की खेती पर, आलू की खेती पर, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम जो मतलब कई बड़े एरियाज में स्प्रिंकलर लगे, उन सब की वीडियोस एक-एक करके लाने वाले, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और यहाँ पे देख सकते हैं एक और बार देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अपना जो हार्वेस्टर होता है, यहाँ पे आगे से जो फुटेज आएगी वो देख लीजिए, तो कुछ इस तरीके से अपना जो हार्वेस्टर है अपनी फसल को हार्वेस्ट करते जाता है। और इसी के साथ हम वीडियो को भी एंड करेंगे, आप देखते जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी पढ़ा लिखा किसान को फॉलो करना ना भूले, लिंक सारी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। अरे भाई चलो, भाई चलो, भागो, भागो, भाग, 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 भ